राइट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। प्रॉब्लम क्या हो गया कि ये ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ था, कुछ कुछ क्लिप्स में मेरे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुए। जैसे यू कैन सी दैट वन, नो ऑडियो। दिस इज द म्यूजिक, द बैकग्राउंड म्यूजिक, नो ऑडियो। सो इफ आई प्ले फुल वॉल्यूम, तो मैं इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि सुबह के 5:30 बज गए हैं, हम लोग माउंटेन चढ़ने जा रहे हैं। माउंटेन का नाम है मातंगा हिल एंड इट विल टेक रफली अराउंड 1 to 1.5 hours फॉर अस टू रीच द टॉप। ये एक ही क्लिप है जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, और कुछ कुछ क्लिप्स है जिसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बाकी सारे इसमें है। बैक टू द ब्लॉग। हमें वहां जाना है। We started from that side so that we can capture the sunrise from that side. So this is the way. यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, वी जस्ट टुक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। सनराइज हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है। यहाँ बहुत डर लग रहा है मुझे। वी जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, हालत खराब हो गई अभी, और यहाँ से ऊपर जाना है, लंबा रास्ता है। कोई नहीं है बिकॉज हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए ना, तो दिस नोबडी हियर। बोल रहे कि सब 9:30 बजे के बाद आते हैं यहाँ पे क्राउड।
एक डेढ़ घंटा लगा ऊपर पहुंचने को, एंड इट इज वर्थ इट, एवरी बिट ऑफ इट इज वर्थ इट, यू नो। तो बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज कि यहां पे कोई नहीं आया देन थ्री ऑफ अस। सो द जब सोसाइटी की तरफ से मैसेज आता है तो हमको पता चलता है कि हमारी बिल्डिंग में केस है, कोई बताता नहीं है। सो द व्यू इज ब्यूटीफुल, कुत्तों वाली भूख लगी है, टांगों ने जवाब दे दिया है, अभी उतरना भी है। वो चढ़ते ऐसा कभी सोचा नहीं था कि उतरते कितना तकलीफ हो सकता है। ब्यूटीफुल। दूसरा जो रास्ता है वो तो बैठ बैठ के उतरना पड़ेगा, मेरे को भी वही लग रहा है, बैठ बैठ के उतरना पड़ेगा। पत्थर एक स्टेप यहाँ है तो दूसरा स्टेप यहाँ है। पानी की एक एक बूंद की वैल्यू पता चली है। कल भी हम लोग काफी वॉक किए हैं, पानी जब ऐसे गले से उतर रहा था ना, एक ऐसे अलग सा एक सुकून मिल रहा था। क्या है ना, होटल में 9:30 तक ब्रेकफास्ट बंद हो जाता है, ये सर खाएंगे नहीं बाहर। डरते हैं ना सर। सर हाँ, इधर कोविड का कुछ भी नहीं, डर नहीं। किसने कहा सर आज? सर किधर? मंदिर के अंदर यहाँ देखते हम इसी रास्ते से उतरेंगे। अच्छा इधर टफ है, हम लोग जैसे अभी ऊपर है वहीं से जाने का इजी है या दूसरा रास्ता? टफ क्या होगा सर? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको इनको देखना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चढ़ते सर। हां चढ़ते मैडम। चढ़ा ना मैंने, ये ऐसे पीछे की तरफ गिरने ऐसा हो रहा है इसलिए। अरे ऊपर चढ़ने के टाइम इंसान पीछे की तरफ कोई जाता है? अंदर लाइन ये तो रिवर तो जाता है। अच्छा यहां से कुछ फेंका ना, मार डालूंगी। इंस्टाग्राम पे मैंने कल एक फोटो डाला था अबाउट माय टैन, ये टैन है मेरा, उसमें किसी ने कमेंट किया सन किस्ट। बेटा इसको ना सन किस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते सन ने घुमा के रहो। नीचे उतरने का टाइम आ रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हो रहा था ड्रिजल। नाउ इट्स गोना बी अ टास्क गेटिंग डाउन। मैं आगे जाऊँ कि तू बोले रास्ते ऐसे उतरने वाले हैं, हम कल पहुँचेंगे नीचे। ऐसे उतर के वहाँ जाएंगे। हाँ हमारी गाड़ी वहाँ पे पार्क्ड है, ये पत्थर के पीछे। You get to see a lot of these over here. क्या बोलते हैं इसको? सेंटीपीड। कैसे गोल-गोल हो रहा है? I know. It's a centipede. यहाँ पे बहुत से देखने मिलेगा। पैर रख दे हम गलती से। हाँ, because this place belongs to them, not to us. शुरू हो गई तो? Yes. Okay, I slipped. स्लोप है ना, जूता फट गया। याद है 15 मिनट पहले, उतर तक ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वीडियो में जितना सनराइज मैंने कैप्चर किया उतना किया। अगर आपको फोटोज देखना है तो प्लीज़ गो ऑन इंस्टाग्राम, चेक द फोटोज ओवर देयर, एंड आई होप यू लाइक इट। सन किस्ट चल रहा है, ये वाला धूपी बाजार है कस के कान के नीचे, इतना गर्म, 8 बजे की धूप है। कौन सा टेम्पल है? श्री कृष्ण भगवान के भाई का टेंपल। भाई का नहीं, कृष्ण देवराया जो यहाँ के राजा थे। एक जन बोल क्या? कोई तो बोला मैंने। तूने कृष्ण भगवान बोला बेटा, कृष्ण भगवान नहीं। तो और कौन सा कृष्ण है? किंग थे यहाँ पे। अच्छा कृष्ण नाम था। कृष्ण देवराय के भाई का। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं ना बोलूंगा नहीं, कुछ मिस्टेक हो गया ना चढ़ जाएंगे ऐसे।
बैटरी लो है, गाड़ी में जाके चार्ज करना है। सो अभी के लिए चलते हैं अगले लोकेशन पे। विल कंटिन्यू द डे, ये ब्लॉग शायद से थोड़ा लंबा हो सकता है। मुझे पूरा हिस्ट्री नहीं पता इस गणपति का, बट दिस गणपति आइडल इज 18 फीट, 18 फीट की हाइट का गणपति है। सनसेट के लिए हम लोग वहाँ से ऊपर गए थे, अभी वहाँ नहीं जा रहे, अभी यहाँ से वील गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो अगर इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो गणपति जी की मम्मी ने, गौरी ने, बराबर वहाँ खड़े के हसमत गौरी जी ने गणपति को गोद में बिठा के रखा है। तो ये बैक साइड से ऐसा दिखेगा, एम आई राइट? पक्का? गौरी गणेश की मम्मा थी, मदर। कल वाले व्लॉग में हम लोग किधर तो गए थे, फर्स्ट लोकेशन पे गए थे, उसके बाद हम लोग ने पिया था शुगर केन जूस। मैंने कितना तीन इधर तो नहीं गए थे हम, उस जगह का नाम भूल गया, विजय विठला गए थे हम, विजय विठला जहाँ पे गए थे, उसके बाहर आके हमने पिया था शुगर केन जूस। सभी मेरे को उसी शुगर केन जूस की तलब लग रही है। तो अभी वहाँ जा रहे हैं ना घर से, वहाँ पे। बट इज दैट द सेम प्लेस? नॉट गोइंग टू द सेम प्लेस, बट ऐसा वाला फीलिंग है कि खेत से लेके आ गए डायरेक्टली उन लोगों ने बना के दिया, वैसा फीलिंग मिल जाए तीन चार ग्लास तो ऐसी। लोकेशन नंबर 3 गणपति 1857 का गणपति का मूर्ति है। ये हम लोग को मंदिर के अंदर लेके जा रहा है साथ में ही चल रहा है हमारे गुप्त से। नरसिम्हा का स्टैचू। वैसे यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम यही हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ मानसून सीजन एंड अ लिटिल आफ्टर मानसून सीजन। समर में मत आना तो इतना एक अलग लेवल पे हालत खराब हो जाएगा, तो हो सके तो बारिश के टाइम पे और उसके बाद के टाइम पे आ जाना है। अक्टूबर के पहले आ जाओगे तो बेटर रहेगा ऐसा मुझे लगता है, ऐसा टूर गाइड को भी लगता है, उन्होंने भी बोला। दैट इज एन एक्सपर्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अ परफेक्ट टाइम टू कम योर। आई स्पॉटेड अ शुगर केन जूस वाला आउटसाइड, आराम से 5-6 ग्लास शुगर केन पी के नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे, उसके बाद इवनिंग 4 o'clock अगेन हम लोग वापस निकलेंगे। 2-3 जगह जाने का है। जो ये पानी है ये कनाल का पानी, जा जाके मंदिर का पानी हो जाता है। आवाज रिकॉर्ड कर इसकी।
लिसन टू दिस राइट नाउ ओके। We are right now in Hazara Ram Mandir. जोर से बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, हो सकता है कि प्लान में कुछ चेंजेस आ जाए, पता नहीं। 15-20 मिनट देखेंगे अगर बारिश शांत हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा तो कमरे की तरफ भागना पड़ेगा। कृष्णदेवराय ने 1513 में इधर से वरिष्ठ जाके वरिष्ठ राजा गजपतराय के हरा के आने के टाइम में उधर से एक बालकृष्ण स्टैचू लेकर विजय संकेत के लिए बना सर ये मंदिर, कृष्णा मंदिर, बालकृष्ण मंदिर सर। लेकिन इधर मूर्ति नहीं सर, इधर का मूर्ति मद्रास म्यूजियम में अभी भी देख सकते सर, लेकिन मद्रास गवर्नमेंट ना तब तभी वही ले लेके म्यूजियम में रख दे दिए। अरे ये है मूर्ति, यहाँ पे नहीं है और वो मद्रास के म्यूजियम में। बाहर ऐसा लगे जैसे कंस्ट्रक्शन चालू है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन चालू है क्योंकि धीरे धीरे करके सब कुछ टूट रहा है, तो उसको सब बिठा के रखने के लिए एक जगह से काम तो चालू रहता है। बट आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बंद है। टूर गाइड वाले मोस्टली लेके नहीं आएंगे, वो बोलेंगे कि मूर्ति है नहीं, तो बाहर से ही देख लो और चलो। लेकिन नहीं, अंदर आओ, देखो, डोंट मिस आउट ऑन समथिंग लाइक something this beautiful। मछली तो नहीं है, मेंढक है शायद ये। हाँ ये मेंढक, ये देख टैडपोल्स। तुम तो तूफान मचा दिया वहाँ पे। I hope they can survive for at least a couple of days now। ना पानी था हमारे पास, hardly this small frog, इतने छोटे छोटे frogs हैं। मेरे को मालूम नहीं था frogs इतने छोटे होते हैं। I thought they नहीं नहीं, आई थॉट दे आर बॉर्न दिस बिग, ऐसा मेरे को लगा। आई नो व्हेन यू दे आर लाइक जस्ट वन डॉट, उनका अंडा तो दिखाई भी नहीं देता आंख से ऐसे। अगर आपके पास घर के टीवी पे यूट्यूब है तो आई वुड रिकमेंड कि इफ़ यू कैन स्विच, इफ़ यू वॉचिंग ऑन द फोन, हाँ, तो अगर आपके घर के टीवी पे यूट्यूब है तो प्लीज़ टीवी पे एक बार देखो, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। फ़ोन पे उतना नहीं समझेगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। एंड पीपल आर ऑलरेडी वॉचिंग दिस ऑन टीवी, गुड जॉब। We are here at Underground Shiva Temple.
तरफ है, अंडरग्राउंड है, बहुत अंधेरा है और बहुत पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ ही रहता है, बहुत डार्क है अंदर की तरफ। फ़ोन पे रिकॉर्ड नहीं होगा ये जगह। देखे ना, एक बहुत पुरानी बात याद आती है मेरे को। माय 11th बर्थडे वो सेलिब्रेटेड इन अफ्रीका मुंबासा। वहाँ पे भी ऐसा ही एक शिव टेम्पल है जहाँ पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं है। रिसेंटली यूट्यूब पे भी किसी ने उसका वीडियो डाला था, बट ज़्यादा किसी ने वो जगह को देखा नहीं है। तो मेरा बर्थडे वहाँ अंदर बैठ के केक कटिंग वगैरह हुआ था। दिस प्लेस जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। अंदर की तरफ बहुत अंधेरा है क्योंकि नीचे की तरफ है। अफ्रीका वाला शिव टेम्पल, तो शिव टेम्पल के उस तरफ समुंदर था, तो समुंदर की लहरों की आवाज़, अंडरग्राउंड टेम्पल, वहाँ पर पानी आता है, तो इट वॉज ऑल वेरी नॉस्टैल्जिक फीलिंग। यहाँ पे समुद्र तो है नहीं, बट पुरानी याद आ गई। यहाँ पे कोई भी नहीं है, दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। मोरओवर सब सुबह को आते हैं, हम लोग उल्टा किया, हम शाम को आए। वी आर लुकिंग एट अ पीकॉक राइट नाउ, जो अगर पहाड़ में पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है सबसे टॉप में, दैट वन। बिकॉज ऑफ द रेन हम गाड़ी के अंदर से भी फोटो नहीं ले पा रहे। आज का व्लॉग यहीं पे, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। थोड़ा ब्राइटनेस इधर आना। बारिश होनी शुरू हो गई थी और हमें जो लास्ट लोकेशन पे जाने का था सनसेट के लिए, हम वहाँ जा नहीं पाए, तो वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे एंड वी केम बैक टू द होटल रूम। अब बारिश रुका है लेकिन काफ़ी भीग चुका है सब जगह पे, सन फिर भी नहीं है, धूप है नहीं, तो हम सनसेट वैसे भी देख नहीं पाते अगर जाते तो भी। ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी पुटिंग डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ आवर टूर गाइड श्रीनिवास। यू वॉज अ वेरी नाइस गाइड, मतलब जैसा हमको चाहिए था ना वैसा ही हमें सैर कराया पूरे शहर का। सो आई वॉज रियली हैप्पी विद द एक्सपीरियंस स्पेशली हर एंड या दैट इज इट। एनीथिंग आई एम मिसिंग आउट? दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। She is smiling like, you know, she has a hanger in her mouth. वो मास्क की वजह से समझ नहीं रहा है। चलो चलते हैं।